मजदूर बाणी टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का मैं बलकार रामगढ़िया स्वागत करता हाँ। साथियों अज असी बैठे हाँ बालासर जिला सिरसा हरियाणा के विच, ते जिवें कि तुहानू पता ही है हरियाणा के विच पंचायती चुनाव पूरे जोर शोर नाल चल रहे हैं। तो साढ़े नाल सरपंच पद के उम्मीदवार मनजीत सोनी जी मौजूद हैं, आओ इन्हां नाल गलबात करते हैं। सोनी साहब सत श्री अकाल। मजदूर वाणी चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरा के इंटरव्यू लिया और मेरे से बातचीत की, गांव में बातचीत करने के लिए और इंटरव्यू लेने के लिए मजदूर वाणी को मैं धन्यवाद। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं बालासर गांव के जिन मुद्दों को लेकर जो पंचायती चुनाव जो लड़ा जा रहा है? मेन मुद्दा तो ये है जी, हमारे गाँव में गांव के अंदर कूड़ा डालने के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसके लिए मैं एक तो मेरी घोषणा ये है और चीज अपील ला लो कैसी कर लो भी, मैं एक ट्रैक्टर ट्राली मेरी तरफ से गांव को दूंगा और उसके ऊपर मजदूर पंचायत के रखे जाएंगे और वो ट्राली हर घर घर से कूड़ा उठाने के लिए हर मजदूर हर जमींदार हर किसी के बार के आगे जाएगी। मैं मेरी माता और बहनों से उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे को जिताए और मैं इनके सिर पर बटल नहीं लेने दूंगा, ये मेरा वादा है। एक हमारे गांव में नशे का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं मेरी जेब से उनको दवाई दिलाने के लिए तैयार हूँ और मैंने 5-7 को दवाई दिलाई है। जो भी भाई नशा छोड़ना चाहता है मेरे से संपर्क करे, मैं उसको दवाई मेरी जेब से दिलाऊंगा। अगर वो अपनी जेब से लेना चाहता है तो मैं मिलवा देता हूँ, दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 10 आदमियों ने दवाई लेके छोड़ा है, कोई ड्रे भी मेरे हो जाएगी उसकी हमारी जुम्मेवारी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए मैं सभी भाइयों से ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे से संपर्क करें और मैं दवाई दिलाने के लिए तैयार हूँ। गांव में पानी व्यवस्था, जो पशुओं के पिलाने के लिए जोड़ खुदाई और सफाई व्यवस्था है, इसके लिए पंचायत का पहला काम ये होगा कि जोड़ों की सफाई करवा के पशुओं के लिए पानी का प्रबंध करवाया जाए। चौथा मुद्दा ये है कि गाँव में अस्पताल का, अस्पताल के पैसे मंजूर हुए हैं, हम जोर लगाएंगे जल्द से जल्द अस्पताल बने। उससे पहले जीतते ही जो लेडीज हॉस्पिटल बन रहा है उसके अंदर हम दवाई दिलवाने का, गरीब आदमी कोई भी है नसी है उनका प्रबंध कराएंगे और सरकार से अपील करेंगे हमें एक डॉक्टर जरूर दिया जाए। और गांव की जो भी मजबूरी है मैं सबके लिए तैयार हूँ, गाँव में गरीब जनता ज्यादा है, गरीब जनता के लिए मैं हर समय तैयार रहता हूँ। गाड़ी घोड़े जो भी चाहिए मैं मेरी जेब से जाता हूँ, जेब से लेता हूँ। हाँ, कोई भाई मेरे को आके कहता है मैं उसके लिए हर समय तैयार रहता हूँ। गांव में सभी को पता है कि ये कोई भी आदमी है जो सभी के काम आता है और आगे जो कोई मुद्दा रखेंगे गाँव वाले मैं उसके लिए तैयार हूँ। पिछले 5 सालों में कितना का विकास काम बालासर में हुआ है? जो भी सरकार की ग्रांटें आई है उससे विकास हुआ है, जो कमी है उसमें विकास करवाए। तो नशे की आपने बात करी है, रानियां चुनाव में भी हमने कवर किया है, सभी यही बात बोलते हैं नशा बंद करेंगे नशा बंद करेंगे, लेकिन शाम होते ही जितने कैंडिडेट बोल के जाते हैं शाम होते ही उनके ऑफिस के बाहर लाइनें लग जाती है दारू बांटने, खुद तो बांटते हैं खुद ही बोलते हैं बंद करते हैं। आपके गाँव में भी ऐसा होने वाला है क्या? अभी तक तो हमारे गाँव में ये शुरू नहीं हुआ है, पर इनकी नशों वाले की मजबूरी है, इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ नशा लेने से मेरे से दवाई लो, दवाई दिलाने के लिए मैं तैयार हूँ, दारू की बोतल नहीं। दारू छोड़ना चाहते हो मैं दवाई दिलाने के लिए तैयार हूँ, जितने रुपए लगे मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, दवाई लो। जब कोई भाई अपने जेब से ले रहे हैं तो ले, नहीं तो मैं दिलवाने के लिए तैयार हूँ। गाँव में क्या होता है, नरेगा मजदूरों के जितने भी जॉब कार्ड बने हैं किसी जॉब कार्ड पर हाजिरी नहीं चढ़ाई जाती, ये जिम्मेवारी सरपंच की होती है, मेट को बोलना होता है, और ना चढ़ाने का मतलब एक ही होता है कि भ्रष्टाचार किया जाए, मजदूरों के हक का पैसा खाया जाए। आप मजदूरों को, जो नरेगा मजदूर है उनको 100 दिन की रोजगार गारंटी है, कुछ लोगों को तो पता नहीं है कानून है या स्कीम है, आप क्या वादा करते हो अगर आप सरपंच चुने जाते हो तो बालासर के मजदूरों को 100 दिन रोजगार गारंटी दोगे? ये मेरे से गुरुद्वारे में बांट ले मंदिर में बांट ले मैं नेम धर्म से कह रहा हूँ 100 दिन का काम मिलेगा। ये नरेगा में आप कह रहे हो भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, क्यों हो रहा है कि कई जॉब कार्ड ऐसे हैं जो किसी को पता ही नहीं है, उनकी हाजिरी लगा देते हैं और पैसे अपनी जेब में डाल के रोड दौड़ देते हैं, ये मेरे को पता है। पर अब इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं बोलते हुए, ये आगे से मेरे हाथ में कोई कमान आती है तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये मैं हर एक जगह नेम धर्म से तैयार हूँ जी। तो ये थे हमारे साथ गाँव बालासर से सरपंच पद के उम्मीदवार मनजीत सोनी जी। तो इन्होंने आपको बताया है कि अगर मैं भविष्य में सरपंच बनता हूँ तो क्या क्या मैं करूंगा, और जनता के लिए नशा छुड़वाने के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है कि कोई भी नशा छोड़ना चाहता है तो उसके लिए मैं खुद खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।